नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। हम चीनी के साथ आंवले का मुरब्बा बनाते आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हम आंवले का मुरब्बा गुड़ के साथ बनाएंगे। बहुत ही खास स्वाद में ये मुरब्बा बनकर तैयार होगा और जो लोग गुड़ पसंद करते हैं उन्हें ये मुरब्बा बहुत पसंद आएगा। तो आइए आंवले का मुरब्बा गुड़ के साथ बनाकर तैयार करते हैं। आंवले का मुरब्बा गुड़ के साथ बनाने के लिए हमने ये 7 आंवले ले लिए हैं, इन्हें धोकर सुखा लिया है। हमने ये बड़ी वैरायटी के आंवले लिए हैं, इनका स्वाद कम खारा होता है। मुरब्बा बनाने के लिए हम आंवले को भाप में पकाएंगे, तो इसके लिए हमने भगोनी में 2 कप पानी ले लिया है। हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे, पानी को ढक देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है, पानी के ऊपर हम ये छलनी रख देंगे और इसमें हम ये आंवले रख देंगे। आंवले को भाप में हम ढक कर पूरे 8 मिनट तक पकने देंगे, गैस मीडियम रखेंगे। 8 मिनट हो गए हैं और हमारे आंवले सॉफ्ट होकर तैयार हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं। आंवलों को निकाल कर हम प्लेट में रख लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। आंवले ठंडे हो गए हैं, हम इनके अंदर फोर्क से इस तरीके से छेद करेंगे, बिल्कुल पास पास। बड़ी आसानी से हो जाते हैं, आंवले सॉफ्ट हैं। पूरे आंवले को इस तरीके से हमने फोर्क से छेद बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। सारे आंवले हम इस तरीके से फोर्क करके कंटेनर में डाल देते हैं। आंवले को हमने फोर्क करके पूरा तैयार कर लिया। हमने 250 ग्राम आंवले लिए थे, हमने 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ हम आंवले के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे। हमने इसके लिए एयर टाइट कंटेनर लिया है। कंटेनर को अगर हमारे यहाँ धूप है तो 2 दिन की धूप में रखेंगे, धूप नहीं है तो रूम के अंदर ही रहने देंगे। गुड़ मेल्ट होकर चाशनी बना लेगा, इसके बाद हम इसे गाढ़ा करके मुरब्बा तैयार करेंगे। तो अब हम 2 दिन के बाद मिलते हैं। हमने 2 दिन पहले आंवलों के ऊपर गुड़ डाल के रख दिया था। गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है, आंवलों में अच्छा जूस दिखाई दे रहा है, गुड़ की चाशनी बन गई है। लेकिन ये चाशनी अभी पतली है क्योंकि आंवलों से काफ़ी जूस निकल आता है बाहर। अगर हम इस मुरब्बा को धूप में रख कर बनाएं तो पूरे 15-20 दिन तक हमें इसे लगातार धूप में रखना होगा। जूस एवोपरेट हो जाएगा, चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और मुरब्बा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इतने दिन तक इंतज़ार करने के बजाय हम इसे गैस पर गाढ़ा करके तुरंत बना लेते हैं। हम ये आंवले पकने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं, गैस ऑन कर देंगे और जो गुड़ की चाशनी बनी है उसे हम थोड़ी सी गाढ़ी होने तक पका लेंगे। ये चाशनी हम चेक करें तो इस स्पैचुला से हम इसे टपका रहे हैं। देखिए कितनी देर में ड्रॉप टपक रही है, चाशनी गाढ़ी हो गई है और हमने आंवले के मुरब्बा को सिर्फ 5 मिनट पकाया है। गैस बंद कर देते हैं, हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मुरब्बा हल्का ठंडा हो गया है, हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे क्योंकि वैसे तो मुरब्बा में आंवले का जूस गया है और उसमें हल्की सी खटास आ गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। तो थोड़ा सा उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए हम 1 नींबू का रस निचोड़कर इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल दें, उससे भी मुरब्बा का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है, हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। गुड़वाला आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बना है और बड़ी आसानी से बन जाता है। सर्दी के मौसम में बाज़ार में आंवले खूब मिलते हैं, उस समय मुरब्बा बनाकर रख लिया जाए, ये गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक मुरब्बा रोज़ खाएँ तो गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। हमने आंवलों को भाप में पकाया है, पानी में नहीं उबाला ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहें। मुरब्बा को चाशनी में पूरी तरीके से डुबा कर रखना है। अगर आपको लगे कि आंवले चाशनी में डूब नहीं पा रहे तो गुड़ की थोड़ी सी चाशनी बनाकर इसमें डाल दें। आंवले अगर चाशनी में डूबे रहेंगे तो मुरब्बा बहुत लंबे समय तक रखकर खाया जा सकता है। तो आप ये मुरब्बा बनाइए,
खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।